गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार। विशेष गरी आज म यो च्यानलद्वारा सबै सबै मेरो शिक्षक नानीहरूलाई, विद्यार्थी नानीहरूलाई यो च्यानलद्वारा केही बताउन गइरहेको छु, भन्न गइरहेको छु। किनभने हाम्रो छोराछोरीहरूको भविष्य हामीले तय गर्नुपर्छ, किनभने हामीले त्यसै लिडर भएर जतासुकै काम गर्नु उचित होइन, र हामीले हाम्रो छोराछोरीको भाग्य निर्धारण गर्नको लागि नै एउटा हामीले एउटा पार्टी सञ्चालन गरेका हुन्छन्। र म चाहन्छु आज जुन प्रकारको अवस्था पहाडको भइरहेका छन्, किनभने बङ्गालका गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बङ्गालको तर्फबाट 31 तारिक भएको जुन चाहिँ ट्रेडको एक्जाम हुने त्यसलाई गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गालले एउटा अनुमति दिएर त्यो भएका चिजहरू हुन्। त्यस पश्चात आज जुन प्रकारको पहाडमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक क्षेत्रहरूमा जुन प्रकारले एउटा ट्रेड गरेर, ट्रेडको एक्जाम गरेर एउटा मान्छेलाई देखौटी गरिरहेका छन्, मान्छेलाई भ्रम पारिरहेका छन्। हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूको, आउने पिँढीहरूको जुन एउटा भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन्, यो चिज चाहिँ एकदमै सहन भएका छैनन्। किनभने राजनीतिमा यो प्रकारको एउटा घिनलाग्दो राजनीति गरेर जनतालाई लटाउने र हाम्रो छोराछोरीहरूलाई लटाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने म चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि आज मलाई यो एउटा सानो प्रेस रिलिज गरेर मैले बताउनु पर्ने एउटा बाध्यता भयो, किनभने गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गालसँग पनि तर्क वितर्क गरे पश्चात जुन प्रकारले गभर्मेन्टले यसलाई अनुमति दिएकै छैनन्, अनि गभर्मेन्टले यो जुन एउटा ट्रेड एक्जाम गरेका जति पनि अब नानीहरूले भोलिको दिनमा उनीहरूले एउटा टिचर पाउँछु भन्ने एउटा आशामा बसेर आज जुन एउटा उहाँहरूले काम गरिरहेका छन्, र सरकारको पक्षबाट चाहिँ अब आउने जुन ट्रेडमा बसेका जति पनि अब भाइ बहिनी छोराछोरी छन्, जति कोटामा राखेका छन् भएका छन्, उहाँहरूले चाहिँ गभर्मेन्टबाट कुनै प्रकारको अनुमति पाउँछ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले एउटा सरकारसँग एकदमै बारम्बार तालमेल गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण टेट एक्जाममा बस्ने भाइ बहिनीहरू छन्, उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा तपाईँहरूले एकदमै जिटिएको एडुकेसन डिपार्टमेन्ट जसले सञ्चालन गरेका थिए, ट्रेड एक्जाम सञ्चालन गरेको थिए, झट्टभन्दा झट्ट यो चिजलाई खुलासा गरेको हुनपर्छ। व्यर्थमा नानीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरेर राजनीति गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने गभर्मेन्टबाट यो अनुमति भएको छैन। त्यसले गर्दा एकदमै छोराछोरीहरूलाई आजसम्म अड्काएर राखेको, आजसम्म एउटा पोलिटिकल एउटा सेफटाइज गर्ने काम गरिरहेको छ, यो चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट बन्द हुनुपर्छ। अगर बन्द गर्न चाहँदैनन् भने चाहिँ यसको एकदमै हामी पिआइएल गरेर हामी केस पनि दायर गरेका हुन्छौँ, किनभने यो प्रकारको राजनीतिले हाम्रो आउने छोराछोरीको भविष्यलाई चाहिँ खेलवाड गरेर राजनीति गर्नु हुँदैन, किनभने यो एकदमै सरासर हिजो मात्र हाम्रो पार्थ च्याटर्जीसँग हाम्रो डेलिगेसन मिटिङ भए पश्चात उहाँले क्लियर कट कुरा गर्नुभएको छन्, हामी यो अनुमति दिएका छैनौँ, र अघि जनवरी 31 तारिक भएको ट्रेडको एक्जामलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ, र यसलाई हामीले दिएका छैनौँ, र यसलाई हामी पैसा पनि, यसको पैसा पनि हामी दिन सक्दैनौँ, यसको एलोटमेन्ट फन्ड हुन्छ यो पनि हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो खुलस्ता उहाँले राखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो छोराछोरीलाई थाहा छैन, र यो एउटा भोटको राजनीतिक मात्रै, नानीहरूलाई एउटा के अरे यो भोटसम्म अड्काउने राजनीति मात्रै हुँदैछ, यो चाहिँ एकदमै सरासर यो चाहिँ अन्याय हो, यो चाहिँ हाम्रो छोराछोरीको भविष्यसँग खेलवाड हो, यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यसैको लागि नै आज मैले यो तपाईँहरूको च्यानलद्वारा मैले एउटा बताउन चाहेको, हिजो मिटिङद्वारा पनि मैले बताएँ, तर धेर थोर मैले कतिवटा कुराहरू बताउन चाहिँ सकिनँ। त्यसले गर्दा आज चाहिँ यो एउटा प्रेस मिट गरेर झट्टभन्दा झट्ट यो चिजलाई चाहिँ एकदमै मेरो छोराछोरीको भाग्यसँग खेलवाड नगरिदिने, जो पनि आज शासन प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरू छन्, जिटिएको के अरे एडुकेसन डिपार्टमेन्ट चेयरमेन जो पनि छन्, उहाँले यो प्रकारको काम चाहिँ नगरिदिने, किनभने हाम्रो भावी सन्तानको भाग्य आज यसरी नै खतम हुँदै जाँदैछ, यो चाहिँ बन्द गर्नपर्छ। यसैको लागि आज मैले यो सानो प्रेस मिट गरेर तपाईँहरूलाई बताउन चाहेको हुँ, सम्पूर्ण मेरो छोराछोरीहरू। जस्तै तपाईँहरूको टिम चाहिँ पार्थ च्याटर्जी एजुकेसन मिनिस्टरलाई भेटे स्टेटको, र उहाँलाई यो खुलस्ता गर्नु भएन कि यो तपाईँको जस्तो तपाईँलाई थाहा छैन त तपाईँले एक्सन लिनुपर्छ स्टेट गभर्मेन्टबाट भनेर। जस्तै जिटिएको आफ्नो बोर्ड हुन्छ, जिटिएले आफ्नो एउटा एडुकेसन डिपार्टमेन्ट छ, तर
यो हुँदा हुँदा पनि तर कन्सर्न चाहिँ लिनै पर्छ, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको चाहिँ लिनै पर्छ, हाई अथोरिटीको लिनै पर्छ। तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि जिटिएमा ट्रेडको एक्जाम गर्दैछ भनेर, अनि ट्रेडको एक्जाम हुँदैछ यो तारिक भनेर, किन अलरेडी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले ट्रेडको एक्जाम जनवरी 31 तारिक भइसकेका छन्, त्यसलाई आज प्रायोरिटी दिएका छन्। तर यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूले अननेसेसरी यो काम गर्दैछ, मान्छेलाई एउटा बेकारको त्यो एउटा भ्रम पार्नलाई एउटा राजनीति गर्दछ। यो चिज चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो। तपाईँले त्यो अपिल गर्नुहुन्छ कि आरटिआई पनि स्टुडेन्ट्सहरूले जसले एक्जाम दिएको छ एकदमै गर्नुपर्छ, आरटिआई गर्नै पर्छ, किनभने यो त भविष्यको कुरा छ नि। 16-17 हजार नानीहरूले एउटा इन्टरभ्यू दिएको छ नि त, अब 16-17 हजार नानीहरू भनेको मामुली कुरो होइन नि त। आज त्यस्तो प्रकारले एउटा उहाँहरूले शिक्षा अध्ययन गरेर अघि खाइ नखाइ उहाँहरूले पढेर लेखेर आज त्यो एउटा शिक्षा अध्ययन गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो नानीहरूले आज यो नोकरीको विषयमा यस्तो प्रकारको एउटा पार्टीले नानीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु चाहिँ यो चाहिँ कदापि हामी दिँदैनौँ अनि मान्दैन पनि। यसको लागि जहाँ गएर पनि हामीले यसको लागि बोल्नपर्छ, जहाँ गएर पनि हामी विरोध गर्नुपर्छ, जहाँ गएर पनि उनीहरूको लागि लड्नपर्छ, हामी लड्छौँ। तपाईँले आउने दिनमा केस पनि गर्नु? एकदमै गर्ने, किनभने यो चाहिँ एकदमै हामीले सरासर यो एउटा नानीहरूको भविष्यसँग खेलवाड भएको राजनीति दिँदैछौँ। यो चाहिँ एकदम बन्द गर्नुपर्छ, बन्द गर्नु चाहिँ एकदमै आफ्नो एउटा दुनो सजाउने मात्र राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा पहाडको जति पनि हाम्रो भविष्य नानीहरूको भविष्य छ, भविष्यलाई आज यसरी खेलवाड गर्नु हुँदैन, उनीहरूको भविष्य बनाउनु सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो ट्रेड एक्जाम चाहिँ सरासर फल भएछ, त्यसले गर्दा म कोर्टसम्म पनि जान्छु यसको लागि। हिजो दो दिन अघि डेटका एक्जाम हुआ, आपने कल स्पेसमै बताए कि ये पार्थ च्याटर्जी बोला कि इलिगल ये हुआ नहीं उनके लड़के, तो इसको लेकर आप लोग क्या करें, क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने प्रेस मीट करने के लिए आपको जो आपने मैंने बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चैनल द्वारा सभी बच्चे लोग जितना भी परसों के दिन जो डेट एग्जाम किया है सभी को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक भविष्य की बात है, बच्चे लोग को भविष्य की बात है। इसीलिए मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी एग्ज़ाम हुआ है ये इल्लीगल एग्ज़ाम हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एडुकेशन डिपार्टमेंट का मार्फत से नहीं हुआ है, ये जीटे एडुकेशन डिपार्टमेंट का थ्रू से हुआ है, लेकिन इसका अनुमति गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को लेना चाहिए था, मांगना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ये कोई भी ये दस्तावेज जो बच्चे लोग ट्रेड एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। कल मेरा डेलीगेशन वहाँ पर किया था, दूसरा काम के लिए भी गया था वहाँ पर, लेकिन ये सबसे पहले सवाल ये उठा था वहाँ पर कि परसों के दिन जो ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था वो ट्रेड एग्ज़ाम आगे भी जनवरी महीने में 31 तारीख जो ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एडुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से, तो अभी जीटीए का तरफ से यहाँ पर हो रहा है, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इसको अनुमति दिया है या नहीं दिया है, तो ये एक हम लोग का जो डेलीगेशन के साथ बातचीत हुआ उसका बाद में पार्थो चटर्जी ने कि ये हमारा जो दिमाग में नहीं है, ये हमारा नॉलेज में नहीं है, कंसर्न नहीं किया है, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को भी कंसर्न नहीं किया है, और संग संग में जीटे का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसने भी मैसेज भेज दिया है कि ये जो ट्रेड का एग्ज़ाम हो रहा है ये इल्लीगल हो रहा है, ये सरासर उसने भी वहाँ पर एडुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को भेज दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये फॉल्स इल्लीगल जो एग्ज़ाम कर रहा है ये हम लोग का बच्चे लोग को भविष्य के लिए खिलवाड़ हो रहा है। मैं इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ जितना भी बच्चे लोग 16-17 हजार जो एग्ज़ाम में बैठा हुआ था सभी को मैं इसके लिए अपील करना चाहता हूँ कि अब इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसा ये बच्चे लोग को भविष्य के लिए ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ भी बारम्बार मैं तालमेल बात करते रहूँगा और लीगल भी इसके लिए मैं जाऊँगा क्योंकि मेरा बच्चे लोग को भविष्य के लिए, मैं राजनीतिक बच्चे लोग को भविष्य में दाव में डाल के राजनीति करना नहीं चाहता हूँ, मेरे फायदे के लिए मेरे मतलब के लिए मेरा बच्चे लोग को दाव में नहीं डालना चाहता हूँ, इसीलिए
उसके भविष्य के लिए मैं कोर्ट में भी जाके मैं जो इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव काम करना चाहता हूँ। तो मैं सभी की बच्चे लोग को अपील करना चाहता हूँ कि जिस जिसने ये टेट का एग्जाम किया है, तो मैं कल भी मीटिंग में बता दिया था, लेकिन उतना जो मैंने डिटेल्स में नहीं बताया, तो आज मैं ये मैसेज जो प्रेस मीडिया द्वारा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो परसों के दिन जो टेट का एग्जाम हुआ, ये सरासर गलत है, सरासर ये भ्रम फैलाने के लिए, सरासर ये पॉलिटिकल एक सेबटाइज करने के लिए, पॉलिटिकल एक मोटिवेशन करके वो अपना राजनीति का धुना सजाने के लिए काम कर रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। जो भी जीटीए का चेयरमैन हो या एडुकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन हो, ये दोनों मिलकर ये बच्चे लोग का जो भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहे, ये खिलवाड़ बंद करना चाहिए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। तो ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिन में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं? हाँ, जाएंगे, क्योंकि मेरा बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैं जो उसके भविष्य के लिए कुछ भी करना कर सकता हूँ, जाऊँगा मैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड है, नॉन ऑफिशियल तो बहुत है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1200। और उस टाइम में हम लोग भी एक कार्यकर्ता था, एक हम लोग आंदोलन में 17-18 वर्ष का एज था हम लोग को। उस टाइम में घिसिंग साहब ने जो भी गोर्खालैंड के लिए जो घोषणा किया, तो हम लोग अंधा भक्त होके हमने काम किया पूरा एकदम। 28 महीने जो आंदोलन हुआ, हम सशक्त हम लोग फील्ड में काम किया। तो उसके बाद में जो डीजीसी बन गया, डीजीसी बनने के बाद में, उसके बाद में डीजीसी भी 16-17 वर्ष ये चलाया है जेएनएल पार्टी ने। उसके बाद में जो सिक्स शेड्यूल का बात हुआ, तो पहाड़ के हित के लिए नहीं था सिक्स शेड्यूल। जो जितना भी जात है, जितना भी धर्म है, जितना भी गोष्ठी है, सभी के हित के लिए नहीं था। इसीलिए सभी मिलकर, समाज, संस्था, पार्टी, सब मिलकर सिक्स शेड्यूल के लिए विरोध किया। जो स्टैंडिंग कमेटी, सुषमा स्वराज चेयरमैन था, ऐसे साल हो गया था उस टाइम में, और हम लोग जाके वहाँ पर बहुत कसरत किया, मेहनत किया। उस टाइम में सिक्स शेड्यूल डस्टबिन में डाल दिया, हम लोग खारिज कर दिया। उसका बाद में अभी जो भी राजनीतिक का जो अभी कर रहा है जेएनएल पार्टी, वो तो भाषण में बड़ा बड़ा बात कर रहा है, तो फिल्म में जो भी है प्रैक्टिकल आदमी का भावना इच्छा क्या है। इतना आदमी 86 में 1200 से ज़्यादा अधिक आदमी गुजर गया। उसका बाद में जितना भी आंदोलन हुआ है, तो बच्चे लोग तो योगदान तो देते आ रहा है, बलिदान तो देते आ रहा है। तो अभी हम लोग उसके लिए भी, उसका योगदान, उसका बलिदान के लिए भी हम लोग काम करना चाहिए। लेकिन जेएनएल पार्टी, मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ, दो चार आदमी ये जो राजनीति कर रहा है, तो अपना दुनिया सजाने के लिए काम कर रहा है, अपना पार्टी का हित के लिए स्टेप कर रहा है, लेकिन जाति के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं कर रहा है। तो अभी जेएनएल पार्टी अभी बीजेपी के साथ अलायंस होके काम करने के लिए वो घोषणा कर रहा है, लेकिन वो जेएनएल पार्टी आगे 2019 में हमारे साथ अलायंस हुआ था, बीजेपी के साथ नहीं हुआ था। एक अलायंस जो इलेक्शन का अलायंस था, उस टाइम में हुआ था। तो वो अलायंस का धर्म निभाते हुए मैंने नीरज झिम्बा को एमएलए बनाया, बीजेपी का टिकट से उसको एमएलए बना दिया। नहीं तो नीरज झिम्बा जेएनएल पार्टी का टिकट से वो होना चाहिए था, लेकिन मैंने वो बीजेपी का टिकट देकर उसको एमएलए बनाया। तो अभी आके वो क्या बोल रहा है कि सिक्स शेड्यूल का बात बार बार बोल रहा है, सिक्स शेड्यूल होना चाहिए पहाड़ के हित के लिए, पहाड़ का विकास के लिए ये बोल रहा है। तो सिक्स शेड्यूल तो हमने आगे ही खारिज किया है, सिक्स शेड्यूल का बात नहीं। हम चाहता हूँ कि हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, हमारा 11 जात गोष्ठी, वो लोग भी रिसेंटली सभी पार्टी मिलकर दिल्ली में गया है। दिल्ली में जाके अमित शाह का साथ मुलाकात हुआ, ऐसा तो मैं 2019 का आगे तो 25 बार मैं मिला, उसका घर में चाय पिया, उसका घर में ब्रेकफास्ट किया। तो कितना बार मैंने वहाँ जाके कसरत किया, मेहनत किया, हमारा जो भी हम लोग विस्थापित जीवन जिया, उस टाइम में भी रोज मैं जाता था, रोज।
लेकिन वहाँ से कुछ हमारा फायदे के लिए, हमारा जाति के लिए, हमारा समाज के लिए, पहाड़ की हित के लिए, तराई का हित के लिए कुछ भी वहाँ पर मिलने वाला नहीं है। लेकिन अभी बीजेपी हम लोग गठबंधन तोड़ दिया है, अलायंस तोड़ दिया है, अभी बीजेपी क्या कर रहा है? तो अभी विमल गुरुंग नहीं है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नहीं है, अब हम लोग फायदा उठाना चाहिए। तो वो लोग गठबंधन के लिए वहाँ पर बातचीत हुआ, लेकिन गठबंधन क्या होता है, वहाँ जाके पूरा मीटिंग करके एक सभा बैठ कर गठबंधन होना चाहिए, अलायंस होना चाहिए। मीटिंग में जो एनडीए का महल में, जो भरा महल में वहाँ पर बात करना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, वहाँ से ये मेरा अलायंस पार्टनर है, ये मेरा अलायंस पार्टनर है बोलना चाहिए। ये तो हमारा ऊपर में हुआ है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2007 से हमने जो आंदोलन किया, 2009 से जो हम लोग वहाँ जसवंत सिंह से जीता के हमने भेजा, उस टाइम से हम लोग तो ये एक अलायंस का वहाँ पर धर्म निभा के आया और घोषणा किया है वहाँ पर। उस टाइम में राजनाथ सिंह था प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी उस टाइम से, और नितिन गडकरी था वहाँ पर सेकेंड बीजेपी प्रेसिडेंट। उस टाइम में हमने ये गठबंधन का धर्म निभा के उसने घोषणा किया, लेकिन अभी हम लोग गठबंधन हुआ, ये बोलने से नहीं होगा ना, ये बोलने से कभी नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन होना तो एक लिखित रूप से एक मीटिंग बैठ कर, जो जितना भी जो अलायंस पार्टनर है उसका साथ बैठ कर चर्चा करना चाहिए, ये हमारा ऊपर चर्चा ऐसा हुआ। तो वो होते ही समय हो इतना हुआ, उसका बाद में भी हमारा ऊपर में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी जो भारत जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। तो अभी ये अपना राजनीतिक जो करियर, जो सिक्स शेड्यूल के लिए ये रणनीति बना रहा है, और सिक्स शेड्यूल क्या है, पहाड़ के हित के लिए नहीं, बीजेपी को यही चाहिए। अभी गोरखालैंड को आवाज उठाने के लिए, गोरखालैंड के लिए आगे जो मांग डिमांड करने के लिए, उसका बस का बात नहीं है बोल रहा है, लेकिन सिक्स शेड्यूल के लिए वो भीतर भीतर काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो जेएनए पार्टी खुलासा करना चाहिए, खुलासा, क्योंकि उसने ऑलरेडी सिक्स शेड्यूल को लेकर जो अपना गोरखालैंड का डिमांड है ये उसने ड्राफ्ट किया है, फाइनल फुल एंड फाइनल उसने एग्रीमेंट किया था, उसने ये सिक्स शेड्यूल को लेकर एग्रीमेंट किया तो गोरखालैंड को ड्राफ्ट किया। तो अभी वो गोरखालैंड बोलने के लिए उसका अधिकार नहीं, उसने उसका पार्टी ने वो सब कुछ वो आगे तोड़ दिया है, सभी ये जो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक उसका जो राजनीतिक सिक्स शेड्यूल का ऊपर में है, और सिक्स शेड्यूल मैं चाहता हूँ कि हमारा पहाड़ का, तराई का, डुअर्स का हित के लिए नहीं है। तो अगर पीपीएस में सिक्स शेड्यूल अगर पास हो गया है तो आप लोग अगेंस्ट में? देखिए, हमने यही बोला कि सिक्स शेड्यूल कल आएगा नहीं आएगा ये सेकेंडरी बात है, हमारा सबसे मेन बात है कि 11 जात गोष्ठी होना चाहिए, 11 जात गोष्ठी होना चाहिए। इसीलिए हमने कसरत किया है, इसीलिए मेहनत किया है कि 11 जात गोष्ठी होने का बाद में उसमें और केडीसी जो कामी दमे सारखी भी है उसको भी वहाँ पर अंतर्भुक्त करके वहाँ पर काम करना चाहिए, नहीं तो वो छोड़ जाएगा ना हमारा कम्युनिटी, नहीं तो डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। इसीलिए उसको भी वहाँ पर डाल के ये पास होना चाहिए, और इसलिए हमने काम किया है दिल्ली में बैठकर भी, विस्थापित भी इसीलिए हुआ है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में डाला था परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, 11 जात गोष्ठी मोदी जी ने भी घोषणा किया था, अभी 7 वर्ष गुजर गया है तो अभी तक नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी सेशन तो खत्म हुआ है, अब 8 तारीख अभी सेशन लगने वाला है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तो 21 तारीख 25 का बीच में ये कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसका बाद में 11 जात गोष्ठी होगा, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगा। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ जितना भी भारतीय जनता पार्टी को और जो भी आगे होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया है जितना भी पार्टी, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका साथ जो मीटिंग किया है होम मिनिस्टर ने, ऐसा मीटिंग तो मेरा साथ तो कितना बार हुआ है, कितना बार यही छल कपट हुआ है आगे से ही,
और आपका साथ भी यही छलकपट हो रहा है, तो इसको ध्यान में देते हुए हम लोग एक ही आवाज उठाना चाहिए, एक ही जो बात बोलना चाहिए, जो हमारा पीपीएस संसद में सबसे पहले 11 जात गोष्ठी जो उसने मोदी जी ने घोषणा किया वो इलेक्शन का आगे घोषणा करना चाहिए। अगर ये घोषणा नहीं होगा तो ये भी बहुत बड़ा धोखा होगा, छलकपट होगा। यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी और जेएनएलएफ पार्टी का जो राजनीतिक जो है कि गोर्खालैंड को क्षेत्रीय जो मुद्दा को मांसने के लिए जो काम कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, इसको बंद करना चाहिए।